हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हेल्दी लंच बॉक्स। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू वो भी मलाई से, यानी कि जो घर में रखा हुआ दूध की मलाई होती है उसी से हम इस नारियल लड्डू को तैयार करेंगे। इसके लिए ना ही हमें मावे या कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी कम है, और इसको बनाने में 5 मिनट या 7 मिनट का ही समय लगता है। फ्रेंड्स, रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी स्क्रीन पर जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए। आइए अब इसके इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, 1/4 कप चीनी, थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा गार्निशिंग के लिए, 2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा कटा बादाम ये भी हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए, 1/4 कप मलाई जो आपकी घर की दूध की मलाई है, और थोड़ा सा चेरी गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जो है फ्लेम ऑन कर दिया है और उस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें इस मलाई को ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इसे तब तक चलाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ये नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। ये देखिए, हमें ये ऐसे ऐड करना है कि हमारा अच्छी तरह से ये जो कोकोनट का जो बुरादा है ये अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर ले, ये मलाई चीनी के मिश्रण को। ये ध्यान रहे कि फ्लेम बंद हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब अच्छी तरह से ये पूरा एक साथ बिल्कुल बाइंड हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको लेके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब, गर्म में अगर आप करेंगे तो आपके हाथ के जलने का डर रहेगा। ऐसे हम ये गोलियां बना के, और ये जो हमने थोड़ा सा सूखा कोकोनट रखा था, ये डेसिकेटेड कोकोनट, उस पर इसकी ऐसे कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको इसके ऊपर घुमा घुमा के इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसको गार्निश करने के लिए हम इस पर बादाम और थोड़ा सा चेरी से डेकोरेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लड्डू है, इसको ये हमारा लड्डू तैयार हो गए हैं। इसको चेरी से और कटे मेवे से गार्निश कर देंगे और ये हमारा लड्डू जो है वो तैयार है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।